कांकेर के भानुप्रतापपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में खदान, एयरपोर्ट, पोर्ट्स उद्योगपतियों को दिए जाते हैं। किसान के खिलाफ जो कानून बनाए गए वह कानून उद्योगपतियों की मदद करते हैं। वे जो भी करते हैं देश के 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करते हैं। राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनते ही हमने 2 घंटे में वो कर दिखाया जो भाजपा ने कहा था कि ये नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम जितनी जल्दी हो सके जाति आधारित जनगणना कराएंगे। अगर दिल्ली में हमारी सरकार आई तो 2 घंटे में काम शुरू हो जाएगा, और अगर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ सरकार जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। तो फिर आप ओबीसी कास्ट सेंसस से, जाति जनगणना से इतना क्यों डरते हो? अपने भाषणों में जाति जनगणना शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? और जो हमने आंकड़े निकाले थे जब हमारी सरकार थी दिल्ली में, उनको आप रिलीज क्यों नहीं करते? क्योंकि आप जानते हो कि आज के हिंदुस्तान में जितनी भागीदारी ओबीसी वर्ग की होनी चाहिए नहीं है। ये सच्चाई आप जानते हो, और इस सच्चाई को आप देश के ओबीसी युवाओं को नहीं बताना चाहते, उनसे आप ये सच्चाई छुपाना चाहते हो। जाति जनगणना को हम आपके लिए जल्दी से जल्दी करवा देंगे। दिल्ली में सरकार आएगी, जैसे हमने यहां कहा था, 2 घंटे में काम शुरू हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ की सरकार जाति बेस्ड सर्वे करवाएगी, और जैसे ही हमारी सरकार बनी, ऐसी मीटिंग में 5 साल पहले हमने कहा था, जैसे हमारी सरकार बनेगी, समय नहीं लगेगा, एकदम जो हमने वायदे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। और खुशी से मैं कहता हूं कि जिस काम को बीजेपी ने कहा था कि नहीं किया जा सकता, उस काम को हमने 2 घंटों में करके दिखा दिया पूरे प्रदेश को। 10,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना 23,000 करोड़ रुपए, 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए, 5 लाख मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, तकरीबन 760 करोड़ रुपए हमने दिए।